आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के नैमावर में हुए सामूहिक हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने, आरोपियों की फांसी की सजा की मांग व जिले में दलित पर बढ़ रहे अत्याचार की घटना को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति, महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक डिप्टी कलेक्टर हर्षल चौधरी। ज्ञापन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला टीकमगढ़ ने मांग करते हुए कहा कि नैमावर हत्याकांड के आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए, साथ ही पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की राशि भी मुहैया कराई जाए। इसके अलावा एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। जिला टीकमगढ़ में आए दिन दलित बहुजन पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर शीघ्र रोक लगाई जाए। ज्ञापन सौंपते समय भारी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता जिला टीकमगढ़ के जिला ब्लॉक तहसील पहुंचे, पर अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। ताकि नैमावर पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके, जिला टीकमगढ़ में हो रहे बहुजन पर आए दिन अत्याचार बंद कराए जाएं, ताकि न्याय के एवं जनहित में यही निवेदन है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। व्यक्ति है, यदि अब तक कहा जाता है कि घटना दिनांक 4/5/2021 को 8 बजे रात की है, जब नंदरा प्रजापति अपने परिजनों के साथ अपने घर के अंदर के उसी समय थाना महिला प्रभारी नीतू सिंह धाकड़, थाना खड़गापुर प्रभारी नीतेश जैन, ASI राजवीर यादव एवं भाजपा कार्यकर्ता उमेश लोधी एवं अन्य राय व अन्य 8-10 पुलिस कर्मियों ने 2 लोग पुलिस सर जो आपने आज ज्ञापन दिया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, जे देवास के नैमावर में एक आदिवासी परिवार के साथ 5 लोगों को पहले किडनैप कर लिया जाता है, उसके बाद उन्हें आरोपी की ही जमीन में खेत में 8 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जाता है और पुलिस प्रशासन की जांच के बाद 47 दिनों बाद उन्हें आरोपी के खेत से पाँचों सदस्यों के सब बरामद किए जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा 47 दिनों बाद कार्रवाई की जाती है, जो कि ये निंदनीय है। और हम लोगों ने अभी ये ज्ञापन दिया है, इसके माध्यम से हम लोगों की मांग है कि पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी और 5 करोड़ धनराशि, आर्थिक व्यवस्था व दोषियों को फांसी की सज़ा। और जिला टीकमगढ़ में भी हो रहे आए दिन अत्याचारों के खिलाफ भी हम लोगों ने उसमें लाइन एक बढ़ाई है, तो माननीय कलेक्टर साहब इस पर भी विशेष ध्यान दें। हमारी यही मांग है कि अत्याचार कम हो, नहीं तो फिर भीम आर्मी का झंडा और डंडा दोनों मजबूत है, हम लोग बिल्कुल हार मानने वाले नहीं हैं। अगर ऐसा नहीं होता है कि दोषियों को फांसी नहीं दी जाती है और अत्याचार बंद नहीं किया जाता है, तो भीम आर्मी एक प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। अगर जो लोग चाहते हैं कि भीम आर्मी आंदोलन करे, तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी। ये भीम आर्मी टीकमगढ़ के द्वारा नैमावर में हुए हत्याकांड के विरुद्ध कार्रवाई चाही गई है। जो हत्यारे हैं उनके प्रति फांसी की सज़ा हो, ऐसी उनकी डिमांड है और उचित कार्रवाई करने की डिमांड है। साथ में परिजनों को 5 करोड़ के मुआवजे की डिमांड है। इस संबंध में इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है, जो हम कलेक्टर सर के थ्रू प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ प्रेषित करेंगे। दूसरा ज्ञापन प्राप्त हुआ है माननीय नंदराम प्रजापति, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदर्श न्याय रक्षक पार्टी, और उनके साथ हुए, उनके पुत्रों के साथ हुए अभद्रता के विषय में, तो इसके लिए भी कलेक्टर महोदय के थ्रू और पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रॉपर केस बना के हम लोग प्रेषित करेंगे और इसमें भी उचित कार्रवाई की जाएगी। भारत प्लस के लिए टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट। ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें।